रिक्वायरमेंट्स के बारे में है. ये वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल चुकी थी. हाउएवर मैं इस बार वापस से बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि इसमें जो है इंटरनेशनल एयरलाइंस के पॉइंट्स भी जो है कवर अप हो जाएंगे. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ बुक, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स आई डोंट वांट टू मिस ऑन एनी वन. ओके, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यही रिक्वायरमेंट है. कैबिन क्रू के लिए कोई अकेडमी या कोई भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12+. आपने उसके बाद में डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, डजंट मैटर. ओके, 12+ होना चाहिए. दैट्स इट. उसके जो करना कर जो उसके बाद जो करना है करो. मिनिमम हाइट जो है हर एयरलाइन की बताई हुई रहती है वेबसाइट पे, वो आप चेक कर सकते हो. आपकी BMI जो है, बॉडी का जो आपका वेट है, वो BMI के हिसाब से होना चाहिए. ओके, और हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो सेफ्टी रीजन की वजह से होती है. ओवरहेड बिन जो है बंद करनी होती है, और सेफ्टी इक्विपमेंट्स मोस्टली ऊपर होते हैं, इसलिए हाइट इसलिए देखी जाती है. कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस ऐसी भी होती है जिसमें हाइट नहीं चेक करते हैं. हाउएवर इंटरव्यू के दिन आपको जो है एक लाइन बनी हुई होती है, वहाँ छूने बोलते हैं. उतने सेंटीमीटर अगर आप छू पाते हो तो आप सिलेक्ट हो जाते हो. सो इफ योर हाइट इज नॉट दैट मच, बट अगर आपके हाथ अगर लंबे हैं तो इस चीज़ के लिए आप ट्राई कर लीजिए. ओके, then the next requirement is your skin जो है clear होनी चाहिए. pimples scars tattoos नहीं होने चाहिए. अगर आप सोच रहे हो कि interview day के दिन आप अगर कोई tattoo conceal करके चले जाओगे, guys मत कीजिए ऐसा, क्योंकि एक ना एक दिन उनको दिख जाएगा, फिर आप problem में हो सकते हो. okay, और फिर वो आपको tattoo निकालने ही बोलेंगे. तो कोई भी airline में जो है tattoo uniform के बाहर भी अगर दिखाई दे रहा है तो वो allowed नहीं होता है. ओके, ऑल्सो कतार इज एन एयरलाइन वेयर अगर अंदर छुपा हुआ भी टैटू तो अलाउड नहीं है, बिकॉज बीइंग एन इस्लामिक कंट्री डजंट अलाउ. ओके, तो दैट्स अबाउट इट. एंड देन उसके बाद की रिक्वायरमेंट जो है स्कार्स एंड पिंपल्स, गाइस थोड़ा बहुत है तो आप कंसील वगैरह कर लो, चले जाओ, इतना कोई नहीं. सो ओके, ह्यूमन बींग है, बर्थ मार्क होता है, किसी को थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स आ जाते हैं छोटे छोटे से, तो दैट इज ओके. थोड़ा बहुत है, कंसील कर लीजिए इंटरव्यू के लिए. हाउएवर अगर ज़्यादा है तो आप पहले उसकी ट्रीटमेंट कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कीजिए. ओके, फिर उसके बाद में ऑब्वियसली योर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी एक्सेलेंट. अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी होनी चाहिए, और इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए एटलीस्ट. ओके, देन आई साइट. ओके, अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं. कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पावर इतना है उतना है, प्लस माइनस 5-6 जो भी, वो आप एयरलाइन के रिक्वायरमेंट में देख लो. ओके, उसके बाद में भी अगर आपको लगता है नहीं हो रहा तो फिर भी आप एक बार इंटरव्यू दे दीजिए. क्यों? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसको बहुत हाई पावर था नंबर, लेकिन जो है वो जब गई थी मेडिकल टेस्ट के लिए तो वो सारी चीज़ें पढ़ पाई क्लियरली चश्मा लगाकर, तो उसका सिलेक्शन हो गया. ओके, तो इंटरव्यू डे के दिन आप लेंस पहन के जा सकते हो, इंटरव्यू डे के दिन चश्मा वक्त पहन के जाइए गाइस. ओके, बट ट्राई कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन, डॉक्टर इज द राइट पर्सन टू टेल यू वेदर दैट पावर इज ओके और नॉट. ओके, फाइनली लास्ट थिंग, मेडिकली जो है आप फिट होना चाहिए, क्योंकि सारे राउंड क्लियर करने के बाद में एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हो कि आप फिट हो तो आपकी सिलेक्शन जो है हो जाती है गाइज. So this is all that I wanted to tell you. These are all the requirements basically. एक और चीज़, जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो स्माइल करके जाइए, ये एक और रिक्वायरमेंट है. That's all guys. Stay connected with me on Instagram, on YouTube over here for updates. I'll see you all very soon. Bye bye.